मुझे लग रहा था गाइस कि ये बारिश बंद हो चुकी है और अब बारिश नहीं होगी और जो सुनामी है उसमें पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा और सुनामी खत्म हो जाएगी। बट गाइस आज सुबह से ही बारिश हो रही है यार। लिटरली मैं कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बट आज सुबह से गाइस बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और जो पानी था गाइस कल दोपहर से आज सुबह तक बारिश नहीं हुई ना, इसकी वजह से गाइस जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया था और काफ़ी कम भी हो गया था। बट ये दोबारा बारिश हो गई यार, इसकी वजह से वापस से सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली है। अरे हाँ यार, और हमने तो काफ़ी सारे लोगों को बचाने की कोशिश की। हाँ गाइस, अब तक पूरे 15-20 लोगों को बचा चुका हूँ मैं लॉस सैंटोस के, और उन लोगों को सेफ जगह पर पहुँचा चुका हूँ। बट गाइस मुझे नहीं लग रहा यार अब ये सुनामी शांत होने वाली है, और मुझे नहीं लगता अब लॉस सैंटोस में कोई बच सकता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई लॉस सैंटोस छोड़ के भाग लेते हैं हम लोग। अरे हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है, ये बारिश तो कभी रुकी नहीं रही। रुकती है 2 घंटे के लिए, 10 दिन तक होती है, फिर 4 घंटे के लिए रुकती है, फिर 15 दिन तक होती है, कोई बात होती है ये? पिछले 5 दिनों से गाइस बारिश हो रही थी, कल दोपहर को बंद हुई, बट फिर देखो आज सुबह से शुरू हो चुकी है। और पानी तो है गाइस, मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, पानी लिटरली में बिल्कुल शांत हो चुका है, बट फिर अब लहरें उठने लग जाएंगी। अरे यार जो भी हो यार, अब लोगों को बचाओ यार, तुम जाके तुम लोग भी मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। अरे कहां से हेल्प कर दे यार, हमें तो खुद तुमने बचाया है। हाँ ये बात भी है गाइस, तुम लोगों को याद ही होगा यार पिछली बार शिंजन मिंजन और चौक लिटरली में ये लोग कल डूब रहे थे भाई सुनामी के अंदर बुरी तरीके से। वो तो मैंने जाकर हीरो वाली एंट्री ली और इन लोगों को बचा लिया गाइस अपनी जान पे खेल के, और अपनी जान पे खेल के मैंने और 15-20 लोगों को बचा लिया है। चलते हैं कुछ और लोगों को बचाने के लिए। बट वेट, मेरा फोन आ रहा है। अरे तो आवाज क्यों नहीं आ रही यार? शायद वाइब्रेट हो रहा है, लेट्स पिक अप। ओके, तो आयरन मैन का कॉल आ रहा है भाई यहाँ पर तो। अरे लेकिन आयरन मैन क्यों कॉल कर रहा है यार? पता नहीं गाइस आयरन मैन क्यों कॉल कर रहा है यार, कहाँ ये कहीं सुनामी उनामी में तो नहीं फंस गया है? अब आज साहब कल हो सकता है यार। जरा गाइस जरा आयरन मैन का फोन उठाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। हेलो भाई आयरन मैन, कैसे फोन किया सुबह सुबह? अरे यार तुम्हें पता है सुनामी आ गई है लॉस सैंटोस में। अरे भाई मेरे को पता है, मैं कोई पत्थर के नीचे थोड़ी ना रहता हूँ कि मुझे नहीं पता होगा, बिल्कुल पता है। अरे तो मैं फंस गया यार सुनामी में, प्लीज मेरी मदद करो, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। अबे तू कैसे फंस सकता है, तू अपनी पावर्स का यूज कर। अरे यार पानी में रहने की वजह से मेरा सूट खराब हो चुका है और मैं यार मेट्रो स्टेशन पर फंस गया हूँ। कौन से मेट्रो स्टेशन पर है तू, बता, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। अरे यार ये मॉल वाला मेट्रो स्टेशन, प्लीज जल्दी आओ। अबे यार आयरन मैन की जान खतरे में इस वक्त। अरे क्या हो गया यार, आयरन मैन मेट्रो स्टेशन में फंस गया है। अरे लेकिन आयरन मैन मेट्रो स्टेशन से जा कहाँ रहा था? तो कहीं भी जा रहा हो यार, वो ये जो सामने मॉल नहीं है गाइस हमारे घर के सामने, इधर की साइड एक मेट्रो स्टेशन है, मॉल के जस्ट बगल में ही है, वहीं पर ये फंस गया है यार। अरे तो बचाओ जल्दी से आयरन मैन को। वो तो बचाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन उसके पास तो पावर्स भी है। पावर्स नहीं है, मतलब पावर्स तो है गाइस, लेकिन सारी की सारी पावर्स तो उसके सूट के अंदर है, और उसका सूट कंटिन्यूअसली पानी में भीगने की वजह से पूरा का पूरा खराब हो चुका है, और उसकी पावर गाइस परफेक्टली वर्क नहीं कर रही है। क्या करें, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब कल भी एक बात बता, जिस फोन से उसने तुझे फोन किया वो फोन खराब नहीं हुआ और उसका सूट खराब हो गया है भाई, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। अबे हो सकता है उसने फोन वाटरप्रूफ वाला ले रखा हो, और क्या पता उसका सूट वाटरप्रूफ ना हो। बे तुम लोग भी क्या सवाल पे सवाल सोचे जा रहे हो यार, इस वक्त आयरन मैन को बचाना जरूरी है। लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से मेट्रो स्टेशन पर और बचाते हैं गाइस आयरन मैन को। इस वक्त आयरन मैन को हमारी सख्त जरूरत है। लेट्स गो गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं यार मेट्रो स्टेशन, जल्दी 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 जल्दी। ऐसे तुम लोग देख सकते हो यार पूरा लॉस सैंटोस इस वक्त खाली है। कल तो तुम लोगों को लोग भागते हुए नजर भी आ रहे थे, बट अभी कोई नजर नहीं आएगा। काफी सारे लॉस सैंटोस के लोग जिनकी जान बच गई है वो तो लॉस सैंटोस छोड़ के ही भाग गए हैं, और काफी सारे लोग ऊंची ऊंची जगहों पर पहाड़ों पर जाकर रहने को मजबूर है, और काफी सारे लोग तो गाइस घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं डर के मारे। खैर जो भी हो, मॉल की तरफ चलते हैं। जो मॉल है गाइस वो सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो, वो रहा सामने, और चलते हैं फटाफट से। आई साहब मॉल भी डूब गया है ना पानी के अंदर। हाँ हाँ मॉल भी तो डूब गया है गाइस पानी के अंदर। चलते हैं अभी जल्दी से। ये देखो भाई, मैं कह नहीं रहा था तुम लोगों से, जो पानी है वो काफी ज्यादा शांत हो गया था गाइस लिटरली में। ये देखो जो पानी है उसकी लहरें देखो कितनी ज्यादा स्टिल है, ज्यादा लहर कहाँ उठ रही है जितनी कल उठ रही थी। कल मैं शिनचैन और चॉप और पिंचन सारे के सारे गाइस यहीं पर लहरों के बीच में फंस गए थे, और भाई बह रहे थे हम तो, लहरों के अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और कल दोपहर से जब से
बारिश नहीं हुई थी गाइस, लहरें शांत हो गई थी, बट देखो फिर बारिश शुरू हुई, फिर लहरें उथल पुथल हो रही हैं। चलते हैं गाइस फटाफट से इन पानी के अंदर और चलते हैं जरा आयरन मैन को बचाने के लिए। जो मेट्रो स्टेशन है वो इधर ही है शायद से। आयरन मैन यार तू भी कहाँ ही फंस गया है बिल्कुल ही। चलते हैं गाइस लहरों के ऊपर। अरे यार मैं अभी क्यों बन गया ये बोट के अंदर। हाँ अब चलते हैं गाइस जरा पानी के अंदर, लेट्स गो। भाई साहब सब कुछ डूब चुका है यहाँ पर। और आगे मेट्रो स्टेशन यहीं पर है, नहीं नहीं और आगे है गाइस। अरे यार इस आयरन मैन को भी चैन नहीं है, सुनामी आ रखी है मेट्रो स्टेशन पे, पता नहीं इसे कहाँ ही सफर करना है। ओके लेट्स गो गाइस। भाई धीरे धीरे करके बहुत लहरें बढ़ रही है। ओ एक और लहर आई। ओके 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 लेट्स गो। अरे लेकिन इस सुनामी में मैं वो कहाँ ढूंढूंगा, मेट्रो स्टेशन कहाँ पर था मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेट्रो स्टेशन शायद इधर ही था गाइस। वेट हाँ ये जहाँ पर ये सब लिखा हुआ है यहीं पर मेट्रो स्टेशन है। बट अपनी बोट तो इस तरीके से बह जाएगी यार अलग ही। फिर मैं आयरन मैन को बाहर भी ले आऊँगा तो उसे बचाऊँगा कैसे। अरे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार मैं कैसे बचाऊँ इसे। तो जस्ट बोट को कहीं साइड में लगा देते हैं, छुपा देते हैं, अटका देते हैं कहीं। तो यहाँ पर सीढ़ी है गाइस, इधर इधर इधर, हाँ ये जगह ठीक रहेगी आई थिंक। इधर ओके इधर अटका देते हैं गाइस इस बोट को। लेट्स गो ये बोट को अब गाड़ी में कन्वर्ट करके और थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं इन सीढ़ियों पे। लेट्स गो कम ऑन चढ़ जा। ओके गाइस जो बोट है उसको मैंने सीढ़ियों पे चढ़ाकर यहाँ पर ला दिया है। अब इस बोट तक आई थिंक पानी नहीं आ पाएगा और ये हमारी बोट अब कहीं भी बहने भी वाली नहीं है। अब चलते हैं सुनामी के अंदर और बचाते हैं आयरन मैन को। आयरन मैन आ रहा हूँ मैं तुझे बचाने। लेट्स गो। ओ भाई पानी के अंदर का व्यू देखो। लकीली गाइस मैं पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा देर तक सांस ले सकता हूँ, इसीलिए मुझे सुनामी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी चलते हैं फटाफट से आयरन मैन की तरफ। वैसे यार तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द आयरन मैन को बचा सकूँ तो अभी कभी जाओ गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस गाइस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करो अभी कभी जाओ गाइस ताकि जल्द से जल्द आयरन मैन को बचा सकूँ। यह मेट्रो स्टेशन। ओ भाई साहब मेट्रो स्टेशन पूरा डूबा पड़ा है, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट सब कुछ डूब गया है गाइस। भाई मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कभी मेट्रो स्टेशन पे मुझे तैर के जाना पड़ेगा। अरे यार क्या ही दिन आ गए हैं, क्या ही दिन आ गए हैं यार। ओके भाई पूरा ही डूब गया है, पूरा ही पानी के अंदर। लेट्स गो आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई होगा इस वक्त इस पे, या फिर शायद लोगों की डेड बॉडीज तैर रही हो सकता है यार। क्या पता आयरन मैन की तरह कोई आया हो, तो आयरन मैन जिंदा रह गया क्योंकि वो एक एवेंजर है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे भाई साहब ये, अरे कहाँ है आयरन मैन भाई तू। अरे फ्रैंकलिन इधर देखो। ओ तेरी वोरा। अबे आयरन मैन तू भी कहाँ ही फंसा पड़ा है। अरे यार मैं हिल नहीं पा रहा यार। क्यों क्या हो गया तुझे। अरे यार पता नहीं मैं अटक सा गया हूँ पानी के अंदर। अरे यार तेरे सूट को क्या हो गया, तू अपनी पावर्स के यूज कर। अरे ज्यादा पानी घुसने की वजह से मेरे सूट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और जाविस भी काम नहीं कर रहा है यार। अबे यार तेरे भी अलग ही ड्रामे है सूट के, और मुझे लग रहा है इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से मैं एक ही जगह पर अटक गया हूँ। प्लीज मुझे पुश करो यार। ठीक है करता हूँ तुझे पुश। अरे नहीं हिल पा रहा यार तू आयरन मैन। अरे करते रहो पुश यार। अरे इसका भी अलग ही ड्रामा है। अरे कैसे बचाऊं यार मैं, एक तो पहली बात मैं सोच ही नहीं पा रहा कि मैं मेट्रो स्टेशन पर पानी के अंदर तैर रहा हूँ लिटरली। मैं गाइस ये बिल्कुल ही दिमाग से बाहर है चीज। और जो भी हो आ रहा भाई आयरन मैन। हट जा, हिल जा अपनी जगह से, अटक कैसे गया तू। अरे अरे हिल गया। ओ बहुत ही बढ़िया आयरन मैन, आ जा फटाफट से। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन थैंक यू। तू कहाँ ऊपर जा रहा है, उधर की साइड रास्ता नहीं है, इधर की साइड मेरे पीछे पीछे आ। अरे यार तुम भी तो किधर ही जा रहे हो। अरे मेट्रो आई है। व्हाट मेट्रो, मेट्रो कैसे आ रही है, क्या हो रहा है गाइस पानी के अंदर। लिटरली मैं मेट्रो आई है भाई। मेट्रो के अंदर लोग बैठे पड़े हैं, ये लोग मुझे लग रहा है गाइस निकल गए, ये लोग जिंदा नहीं है सच में, मुझे नहीं लग रहा, डेड बॉडीज है पक्का लोगों की। पता नहीं है मेट्रो चला कौन रहा है, वैसे मेट्रो तो शायद ऑटोमेटिक ही है हमारे लॉस सेंटोस की, इसी वजह से अपने आप ही चल रही है। खैर जो भी हो गाइस। अरे आयरन मैन तू उधर क्या फंसा पड़ा है इधर आ। अरे यार फिर से मेरा सूट अटक गया। अबे तेरे सूट ही अटकता रहेगा जिंदगी भर। अरे इधर आ मेरे पीछे पीछे आ। अरे फ्रैंकलिन तुम चलो तो, तभी तो मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे। बस इधर आता रहे पीछे मत जाओ। अरे उधर कहाँ जा रहा है तू, इधर आ। अरे यार ये आयरन मैन भी बिल्कुल ही पागल हो गया है। पागल क्या यार, एक तो तुम्हारी आवाज़
सुनाई नहीं दे रही है पानी के अंदर। तू इधर आ मेरी तरफ आ। अबे इधर की साइड रास्ता है आयरन मैन के बच्चे, तू क्या उधर मजे से तैर रहा है? तैर नहीं रहा यार, वापस अटक गया मैं सूट की वजह से। अब इसे धक्का दो अलग ही। लेट्स गो गाइस। फाइनली आयरन मैन को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया मुझे लग रहा है। तू क्या देख रहा है भाई? ये टीवी अभी तक कैसे काम कर रहा है? ये टीवी लोकल होके अभी तक चल रहा है लेकिन मेरा सूट खराब हो गया, ये क्यों यार? अबे वो बाद में सोचता रही है तू चल मेरे संग अभी। अरे यार ये आयरन मैन के भी ड्रामे अलग ही है। ओके लेट्स गो गाइस, फटाफट से बाहर निकलते हैं। आजा भाई आयरन मैन। अरे आजा भाई आजा जल्दी आजा। लेकिन यार हम लोग घर जाएंगे कैसे? तैर के नहीं भाई, मैं बोट लाया हूँ, तू मेरे पीछे आ तो सही एक बार। हेलो आयरन मैन भाई, तू निकला पानी से बाहर या फिर नहीं? हाँ निकल गया। नजर तो आ नहीं रहा है तू मुझे। तुम्हारे पीछे ही यार। मेरे पीछे ही? अरे यार एक तो लहरों की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है गाइस। मेरे पीछे नहीं है भाई तू। अरे तुम मुझे दिख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दिख रहा। पता नहीं गाइस का। ओ ये रहा। आजा मेरी तरफ आ भाई। जो अपनी बोट है वो इधर की साइड मैंने खड़ी कर रखी है। जल्दी चलते हैं, बोट पानी में तो नहीं बह गई? नहीं बोट है। तू इधर आ। अरे ये अलग ही, कहाँ जा रहा है यार? एक तो इस आयरन मैन को समझाने में दिमाग खराब हो रहा है मेरा। लेट्स गो गाइस, ये रही बोट। जल्दी आ गया। ओ तू आ गया मुझसे पहले। बिल्कुल यार, पानी के ऊपर तैर के आया हूँ मैं। भाई अब जाके सांस ले पा रहा हूँ मैं बढ़िया तरीके से। जो भी कहो गाइस, हालत खराब हो गई भाई आयरन मैन को बचाते। भाई तेरे से बाहर नहीं निकला जा रहा। अरे यार मैं कैसे बताऊँ, मेरा सूट अटक गया था और मैं सूट छोड़ के बाहर आ नहीं सकता था। जो भी हो गाइस, फाइनली बच गया आयरन मैन। किस्मत अच्छी थी इसकी। अब आजा फटाफट से इस गाड़ी पे बैठ। लेकिन बैठेगा कैसे तू? चलाऊंगा तो पहले मैं, पहले मुझे बैठने दे, अब तू बैठ पीछे से। अरे ठीक है यार, रुको पकड़ के बैठियो, गिर मत जियो पानी में। चलो फ्रैंकलिन। अबे तू कहाँ साइड में बैठ गया भाई, हमारे अलावा और कोई नहीं बैठने वाला। अभी चलो फ्रैंकलिन। अरे यार आयरन मैन आज पागल हो गया गाइस, लगता है इसका सूट के साथ साथ इसका दिमाग भी खराब हो गया है। ओके मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ? किधर से आए थे तुम? मैं तो इधर से आया था। चलो इधर घुमाते हैं। अरे यार अटक गई है बोट यहाँ पर। ओह वेट मैं इस ग्रिल को ही जंप कर जाता हूँ ना। कम ऑन लेट्स डू दिस, निकल जा बाहर। ओह यस बोट चढ़ गई है। कम ऑन पलट जा प्लीज। अरे यार चली जा बोट। यस ओके गाड़ी में कन्वर्ट नहीं। ओके बोट में कन्वर्ट। लेट्स गो गाइस। फाइनली आयरन मैन को अपनी बोट पर बैठा कर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक सेकंड भी गवाए गाइस, घर पे निकलते हैं, जल्दी से घर पे निकलते हैं। आयरन मैन बैठा है ना तू? अरे हाँ चलो यार। वैसे तू मेट्रो स्टेशन पर आया क्यों था? अरे यार एक्चुअली मैं, वो हल्क ने मुझे, हल्क ने, अरे हल्क तो फंसा ही है यार अभी भी। क्या हो गया? अरे यार एक्चुअली मैं, बात यह है कि सुनामी अचानक से तो आई नहीं लॉस सैंटोस के अंदर। हाँ सही बात है, अचानक से थोड़ा ना सुनामी आई, वो तो धीरे धीरे करके पानी का लेवल बढ़ता गया। हाँ तो यार हुआ ये कि हल्क लॉस सैंटोस के एक ऐसे एरिया में था जहाँ पर यार सुनामी आ गई थी और हल्क फंस गया था सुनामी के अंदर। अच्छा ठीक है। तो मैं उसी को बचाने के लिए यार मैंने सोचा चलो मेट्रो पकड़ के चले जाएंगे वहाँ पर और फिर वहाँ से हल्क को बचाएंगे, लेकिन मैं खुद फंस गया यार। मतलब अभी भी हल्क वहीं पर फंसा होगा? बिल्कुल यार, उसको भी बचाना पड़ेगा। अरे यार ये आयरन मैन और हल्क दोनों की जोड़ी एकदम ही पागलों की है यार। एक ही है, हल्क पहले से ही फंसा पड़ा है सुनामी के अंदर, ये आयरन मैन उसको बचाने के चक्कर में खुद फंस गया सुनामी के अंदर। अरे अब कैसे बचाए हल्क को? अरे यार पहले मुझे घर पे छोड़ दो, मेरी हालत खराब हो गई है पानी के अंदर तैर के। मैं अपने सूट को रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम जाओ हल्क को बचा लो। अरे अब हल्क को बचाने जाऊँ मैं? बिल्कुल यार हल्क को बचा लो। अरे यार चलो गाइस चलते हैं हल्क को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी अपना दोस्त है यार, उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। चलो उसको भी बचाने चलते हैं। पहले तो यहाँ पर उतर और अपना सूट रिपेयर कर, क्योंकि इसका सूट रिपेयर हो गया गाइस फिर तो सब कुछ आसान हो जाएगा, फिर तो हम सुनामी कम करने का जरिया ढूंढेंगे। चल उतर भाई उतर, चला आजा भाई आयरन मैन। अरे चलो फ्रैंकलिन, मुझे काफी दुख हो रहा है यार हल्क के लिए। बट वेट, तेरा तो सूट है ठीक है, तेरा सूट तो पानी घुसने की वजह से खराब हो गया। हल्क के पास तो पावर्स थी, वो पावर्स के यूज करके क्यों नहीं आया? ये तो हल्क ही जाने। ठीक है आजा भाई आयरन मैन। अरे बचा लिया तुमने फाइनली आयरन मैन को। बचा तो लिया लेकिन अब हल्क को बचाने जाना पड़ेगा। क्या कह रहा भाई साहब कल, हल्क भी सुनामी के अंदर फंसा पड़ा है। हाँ भाई हल्क भी सुनामी के अंदर फंसा पड़ा है। वैसे वो हल्क फंसा का है भाई, मुझे बता तो, तभी तो मैं बचाऊंगा उसे।
अरे वो फंसा है यार, साइमन के शोरूम की तरफ एक ब्रिज जाता है, उधर की साइड फंसा है यार वो। ओ उधर ठीक है, वो तो काफी ज्यादा दूर है गाइस यहाँ से एरिया, और वहाँ तो काफी ज्यादा गहरा पानी हो चुका है। पता नहीं अब हल्क वहाँ पर कहाँ पर होगा, और जो भी हो जा रहा भाई मैं हल्क को बचाने। प्लीज यार हल्क को बचा कर जरूर आना। हाँ हाँ ठीक है, तब तक तू अपने सूट को ठीक कर, लेट्स गो गाइस। मुझे पता चल गया यार हल्क क्यों नहीं बच पा रहा है। एक्चुअली मैं हल्क के पास भले ही पावर्स हो, तू क्या अभी भी पीछे आ रहा है यार? प्लीज हल्क को बचा लेना। अरे हाँ बचा लूंगा, तू नीचे जा। गया चलो ये। हाँ तो मैं गाइस ये कह रहा था कि आयरन मैन के पास तो देखो सूट है और इसको उड़ना आता है, हल्क के पास कोई सूट नहीं, हल्क के अंदर ही पावर्स है। बट गाइज उसको उड़ना कहाँ आता है, वो तो लंबी लंबी छलांगे मारता है और दौड़ता है तेज। अब सुनामी है इतनी खतरनाक, उसके अंदर भी हल्की कैसे पावर्स काम करेंगी। इसीलिए मुझे लगता है शायद वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रहा है। बट या फिर ये भी हो सकता है वो बेहोश पड़ा हो, लेकिन फिर आयरन मैन को किसने कॉल किया, या फिर वो बेहोश होने वाला हो उससे पहले उसने आयरन मैन को कॉल किया कि प्लीज़ मुझे आयरन मैन बचा ले, और फिर ये आयरन मैन इधर फंस गया। ये भी हो सकता है गाइस, क्या पता हल्क बेहोश पड़ा हो। अरे यार जल्दी जाना पड़ेगा हल्क को बचाने के लिए। लेट्स गो गाइस, आयरन मैन को तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके बचा लिया। आयरन मैन तो यहीं मॉल के पास ही मिल गया मेट्रो स्टेशन पे। बट ये हल्क गाइस साइमन के शोरूम की तरफ है, और साइमन का शोरूम हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है। बट यार हल्क अपना ही दोस्त है, उसको बचाना तो पड़ेगा ही। इसलिए गाइस तुम लोग जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जल्द से जल्द हम लोग हल्क को बचा सकते हैं। गाइस तुम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है गाइस हल्क को, इसलिए जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी साइमन का शोरूम कहाँ ढूंढूं मैं इस पानी के अंदर, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा मैं इस वक्त हूँ कहाँ पर। ये क्या पेड़ों की पत्तियां भी गिर गई है, ये कुछ भी हो रहा है सुनामी की वजह से। ये देखो भाई यहाँ पर एक बड़ा वाला स्टैचू भी डूब गया है पूरा का पूरा। ये मेज बैंक बिल्डिंग है पता चल रहा है। हाँ मेज बैंक बिल्डिंग के पास में ही तो था साइमन का शोरूम। ओके वहाँ पर हो सकता है ये साइमन का जो शोरूम था, ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है गाइस के पास में ही था। तो कुल मिला के जो साइमन का शोरूम है, वेट ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। यस एक सेकंड मैं एग्जैक्टली बताता हूँ तुम लोगों को साइमन का शोरूम कहाँ था। ये देखो गाइस ये पोस्टर दिख रहा है एग्जैक्टली यहीं पर जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, इसी वक्त नीचे इसका शोरूम है। यस गाइस मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। ये देखो मैं तुम लोगों को उतर के दिखाता हूँ, बस बोट कहीं और मत चली जाइयो। ये देखो गाइस ये साइमन का शोरूम है। यस साइमन का शोरूम मिल गया। बट हल्का है, हल्का है। हाँ उसने बोला था आयरन मैन ने कि जो हल्क है वो हाईवे के पास था, साइमन के शोरूम के पास वाला जो हाईवे है वहाँ पर। ये देखो गाइस साइमन का शोरूम है, साइमन के शोरूम के पास ये हाईवे तो पूरा डूब गया है। इसमें मैं हल्क को कहाँ ढूंढूँ? अरे मेरी बोट कहाँ चली गई? अरे यार अब बोट को ढूंढूँ मैं। ये लहरें कितनी ज़्यादा फास्ट है यार, मेरी बोट को कहाँ ले गई लहरें? अरे वो रही मेरी बोट वो रही जा रही। अरे बोट रुक जा, कहाँ जा रही है यार ये बोट? हल्क को ढूंढते हैं फटाफट, लेट्स गो। वो जो हल्क है हो सकता है पानी के ऊपर तैर रहा हो होश बेहोश होके, या फिर हो सकता है बचने के लिए वो किसी ऊंची जगह पर गया हो। स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ये सेफ जगह है, यहाँ पर हो सकता है हल बचने के लिए, क्या पता यहाँ पर गया हो हल। यस गाइस डेफिनेटली। वेट ओ वेट, ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर ग्रीन दिख रहा है गाइस मुझे। हल्क ऊपर ही है, वो हल्की है, वो हल्की है गाइस। बैंगनी कलर की चड्डी और हरा हल्क। लेट्स गो, कम ऑन गाड़ी चढ़ जा, कम ऑन गाड़ी चढ़ जा प्लीज। यस गाइस मुझे हल्क दिख गया, बस एक बार और लहर आ जाए मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा बिल्डिंग के ऊपर। लेट्स गो, कम ऑन। नहीं, इस बार एक और बार लहर आ जाए ऊंची सी, चढ़ जाऊंगा मैं बिल्डिंग के ऊपर। कम ऑन, अरे यार लहरों मुझे चढ़ा दो बिल्डिंग के ऊपर। ये लहरें भी फालतू की है यार, किसी काम की नहीं है लहरें। चढ़ा दो मुझे बिल्डिंग के ऊपर। ओ वेट, और यहाँ से चढ़ सकता हूँ गाइस आई थिंक मैं यहाँ से। कम ऑन लेट्स। अरे यार कैसे जाऊँ मैं इसके ऊपर, लहर उतनी ऊंची आई नहीं रही कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर जा सकूँ। अरे हल्क भाई तू वहाँ कैसे पहुँच गया? कम ऑन गाइस, फिर से आया पानी। अबे यार इतना पानी क्यों नहीं आ रहा कि मैं इसके ऊपर चढ़ सकूँ? चढ़ जा, निकल जा। यस हल्क भाई उठ भाई, हल्क भाई, हेलो हल्क। वो निकल लिया क्या ये? मुझे तो लग रहा है गाइस। अरे इसका हाथ क्या गया? अच्छा जमीन के अंदर दबा हुआ है। हेलो हल्क, ओए हल्क हंसते निकल लिया क्या तू? नहीं गाइस बेहोश है शायद ये, इसको क्या करूँ मैं, उठ ही नहीं रही है तो। काफ़ी देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ अपनी बोट पे लादते हैं और लेकर चलते हैं।
यही चाह रहा है मेरे पास, और क्या। चलो गाइस इसे उठाते हैं और रखते हैं बोट पे। अरे उठ रहा है ये क्या है, ये कितना भारी है, ये 50-100 किलो का नहीं है, ये तो 1000 किलो से भी ज्यादा भारी है, मेरे बस की नहीं है उसे उठाना। क्या करूँ फिर मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको देख तो लिया है लेकिन बचाऊं कैसे मैं, ये उठने का नाम नहीं ले रहा। इसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दूं क्या? ओए हल उठ, नहीं उठ रहा यार, इसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी मैंने फिर भी। भाई क्या नींद की गोली लेके सो गया है क्या? इसको उठा के ही लादना पड़ेगा, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, उठ कहाँ रहा है ये। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। लाद दिया भाई, लाद दिया अपनी बोट पे, लाद दिया मैंने इसे। और हाथ देख सकते हो गाइस, हाथ इसका ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, मैं तो कह रहा हाथ गया लेकिन नहीं, हाथ ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। अभी कन्वर्ट करते हैं अपनी गाड़ी को जेट स्की में और लेकर चलते इसे घर पे। भाई शर्मा जी की जेट स्की सच में बहुत काम की है यार, 15-20 लोगों को बचाया तो बचाया, आयरन मैन और हल्क को भी बचा रहा हूँ मैं अब। लेट्स गो, चलते हैं गाइस फटाफट से अभी हल्क को घर पर लेकर। अरे कितना भारी है ये, बोट ही नहीं उछल पा रही है लहरों की वजह से भी। भाई देखो यार, बोट बिल्कुल जमीन के अंदर दब के चल रही है, वो तो जैसे तैसे करके ये बोट तैर रही है पानी के ऊपर। जो भी गाइस फटाफट से अब हल्क को भी लेकर चलते अपने घर की तरफ। लेट्स गो, आ गए ऑलमोस्ट आ गए, ये बस इसी के साथ आ गए फाइनली गाइस, आ गए इसे लेकर। और अभी फाइनली चलते हैं घर पे। जो भी हो गाइस, हल्क और आयरन मैन दोनों को बचाने में हालत ख़राब हो गई। हल्क को तो ज़्यादा बचाने में हालत ख़राब नहीं हुई, बट हाँ इसको उठा के रखने में भाई जान निकल गई मेरी, और आयरन मैन तक तो पहुँचने में ही जान निकल गई। भाई पता नहीं आयरन मैन कितनी देर से, वो कैसे अलाइव था पानी के अंदर। तो जो भी हो गाइस, आयरन मैन को भी बचा लिया हम लोगों ने, और फाइनली अभी हल्क को भी बचा लिया है। अभी चलते हैं घर पे, आयरन मैन खुश हो जाएगा। भाई आयरन मैन तो लिटरली मैं सच में रो दिया था भाई वो हल्क के लिए। और जो भी हो, अब उन दोनों की दोस्ती वापस से कंटिन्यू हो जाएगी। मतलब इसको हुआ क्या है ये भी तो नहीं पता, और डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है गाइस सुनामी के अंदर। जो भी हो, बट इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है गाइस, वो है सुनामी। भाई बंद होने का नाम नहीं ले रही है बारिश, मैं तो सोच रहा था कल की बारिश चलो बंद हो गई, अब सुनामी का मुझे, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कल की बारिश हुए जा रही है और सुनामी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे घर तक भी गाइस पानी पहुँच जाएगा, तुम लोग देख लेना, ऐसा दिन ज़रूर आएगा गाइस जब हम लोगों को अपने घर पे यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा और ये सब भी डूबा होगा। लिटरली मैं यार, ऐसा दिन भी आ सकता है। बाकी चलते हैं अभी हल्क को लेकर अंदर, हल्क को उठा के तो लेकर जा नहीं सकता मैं अंदर, तो जेट स्की को ही लेकर चलते हैं अंदर। अरे अटक गई यार ये जेट स्की भी, आजकल सब कुछ अटक ही रहा है। आ गया। ले भाई आयरन मैन, तेरे दोस्त को बचा लिया मैंने। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ बचा लिया, ले तेरा दोस्त। अरे हल्क तुम्हें क्या हो गया, हल्क उठो प्लीज, हल्क उठो। अरे उठ जाएगा भाई, लगता है बेहोश हो गया है। खैर जो भी हो गाइस, तुम लोगों को अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाओ गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, और देखते हैं किस तरीके से सुनामी कम होती है। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है सुनामी को कम करने का तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। कब आएगा इसको होश भाई आयरन मैन? डॉक्टर वॉक्टर बुला जल्दी।